नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अतरंगी तड़का। आज हम आपके लेके आए हैं मेरी मम्मा का फेवरेट रेसिपी। मेरी मम्मी को मैंने एक बार कालबा देवी में ब्रेड का पुडला खिलाया था। उस दिन से मेरी मम्मी ने यह रेसिपी काफ़ी बार बनाई है। मैंने ये रेसिपी मेरी मम्मा के लिए काफ़ी बार बनाई है। आज मैंने ये रेसिपी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। आप इसे बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। यह आप सुबह चाय के साथ में बना सकते हैं, शाम को चाय के साथ में बना सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। ये बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। आइए देखते हैं ब्रेड पुडला की रेसिपी। बेसन का पुडला बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 कप बेसन। ये हमने आधा कप बेसन लिया है, ये हमने आधा कप बेसन और डाला। अब हम इसमें डालेंगे ताज़ा कटा हरा धनिया आधा कप। हरा धनिया का फ्लेवर पुडले में बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, अजवाइन के दाने। अजवाइन और सौंफ का फ्लेवर पुडले में बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से हमारे पुडले का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक मीडियम थिक पेस्ट बना लेंगे। हमें ना इसमें ज़्यादा लिक्विड पेस्ट चाहिए, ना ज़्यादा थिक पेस्ट चाहिए। हमें इसका मीडियम थिक पेस्ट चाहिए जिससे हमारा ब्रेड इसमें बहुत ही ईजीली कोट हो जाए। बहुत जन बेसन खाने के बाद शिकायत करते हैं कि उन्हें पेट में अजीब सा लग रहा है, क्योंकि बेसन खाने में हैवी होता है। इसीलिए हमने जैसे पुडले में हींग, सौंफ, अजवाइन का उपयोग किया है, इससे आपको पेट में तकलीफ नहीं होगी और ये खाना पचाने में भी आपकी मदद करेगा। अभी हमारा पेस्ट बनके तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये ना ही बहुत ज़्यादा थिक है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। ये एकदम परफेक्ट है हमारे पुडला बनाने के लिए। पुडला बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 व्हाइट ब्रेड। आप कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। आपको चाहिए तो आप ब्राउन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, आप मल्टीग्रेन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ वाइट ब्रेड उपलब्ध है तो हमने वही यूज़ किया है। हमने हमारे ब्रेड को बेसन में अच्छे से दबा लिया है, उसी तरीके से जैसे हम पकौड़े बनाते हैं। हमारा ब्रेड चारों तरफ से बेसन से कोट हो जाना चाहिए। अब हम इसमें हमारा दूसरा ब्रेड भी डाल लेंगे और उसे भी इसी तरीके से बेसन से चारों तरफ से कोट कर लेंगे। ये बेसन का मसाला हमारे ब्रेड पर चारों तरफ लग जाना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब हम इसे गर्म तवे पर हल्का सा तेल डालकर सेक लेंगे। ये हमने हल्का सा तेल डाला है, ये हमने कुछ ही बूंद डाला है और हम इसे चारों तरफ लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर हमारा ब्रेड रखेंगे। ये हमने हमारे दोनों पीस ब्रेड के रख लिए हैं। इसके साइड में हम थोड़ा सा तेल और डालेंगे जिससे हमारा ब्रेड साइड से भी अच्छे से सिक जाए। उसी के साथ साथ में हम इसमें थोड़ा सा हमारा बेसन का घोल और डालेंगे जिससे हमारा ब्रेड साइड से भी कवर हो जाए बेसन के घोल में। ये एकदम आपके बेसन के चिल्ले जैसा बनेगा और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही बढ़िया लगेगा। हमें इसे 5 से 10 मिनट तक मीडियम आंच पर सेकना है। इससे हमारा चिल्ला नीचे की तरफ से एकदम अच्छे से पक जाएगा और बिल्कुल भी लगेगा नहीं और खाने में बहुत ही क्रिस्प होगा। मेरा चिल्ला थोड़ा सा साइड में चला गया है। हमने इसके साइड में भी थोड़ा सा घोल डाला है और हम बीच में भी थोड़ा सा घोल डालेंगे जिससे हमारे दोनों ब्रेड जॉइंट हो जाएंगे।
आप देख सकते हैं हमारा चिल्ला दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, इसमें हरे धनिए का कितना बढ़िया कलर लगा रहा है। अभी इसको हिला के देखते हैं कि ये वाव, देखिए ये बिल्कुल भी नीचे से लगा नहीं है और तेल के कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बुलबुले उठ रहे हैं। ये देखिए इसका कलर, वाव ब्यूटीफुल। काश आप इसे सूंघ पा रहे होते, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। अब हम इसे पलटी करेंगे और दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। हमने इसके ऊपर थोड़ा सा बटर डाला है, बटर डालने से ये चिल्ला दूसरे साइड से थोड़ा एक्स्ट्रा क्रिस्प होगा और थोड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। ये देखिए हमारा चिल्ला काफ़ी बढ़िया तरीके से सिक चुका है, एकदम हरा पीला कलर कितना बढ़िया लग रहा है। अभी हमारा पुडला सिक्के रेडी हो चुका है, अब हम इसे बीच में से काट के सर्व करेंगे। आप इसे सर्व कीजिए गरम गरम, हरी चटनी के साथ में, सॉस के साथ में। ये बच्चों को भी खाने में बहुत बढ़िया लगेगा। आप इसे सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं, शाम की चाय में बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वाद, बनाने में बहुत ही आसान और ये हमारे घर की एकदम प्यारी रेसिपी है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए और हमें बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी।